कैसे, हाउ आर यू? फाइन डॉक्टर सर, मेरा कंसर्न था एक, जैसे कि मैंने आपकी ड्राइविंग वीडियोस देखता हूँ, तो मैंने सीख तो लिया है, काफ़ी परफेक्शन भी है। अब मैं प्लान कर रहा था एक सेकेंड हैंड कार लेने की, लेकिन मेरे कुछ रिलेटिव्स हैं और कुछ फ्रेंड्स के पास एक्सपीरियंसेस हैं, जिसकी वजह से उन्होंने गाड़ी वो ले तो लेते हैं, लेकिन लेने के बाद उसमें जैसा कि आप जान रहे हैं मोटा खर्चा आ जाता है, 2 लाख इंजन की प्रॉब्लम है, वो है। अब हम लोग को इतना मैकेनिकल नॉलेज रहती नहीं है कि कैसे क्या चेक करें, इंजन का क्या प्रोसेस होता है, तो मैं जानना चाह रहा था आपसे ईजी लैंग्वेज में कि जो जो गाड़ी लेने से पहले सेकेंड है जो जो पैरामीटर्स होते हैं मोटे मोटे, वो आप मुझे बताइए कि जिससे मैं एग्जामिन कर सकूँ, उसको इवेल्यूएट कर सकूँ, और मेरे लिए जो गाड़ी सेकेंड हैंड में लेने वाला हूँ मेरे लिए बेनिफिशियल हो मेरे बजट के अकॉर्डिंग। तो उसमें आप तो दोस्तों, माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ और वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। मेरे साथ मेरे मित्र हैं, जो कि बहुत अच्छी बात आपने सर जी ने आपने पूछी, क्योंकि आज के टाइम में जो भाग दौड़ की ज़िंदगी में क्या होता है ना, किसी के पास इतना टाइम नहीं है और ना किसी को नॉलेज है, क्योंकि मैकेनिकल वर्क जो होता है कार चलाना तो सभी को आता है, क्योंकि 50-60% अगर आपको कार ड्राइव आती है तो आप चला सकते हो, लेकिन जो मैकेनिकल चीज़ें होती हैं, जो बहुत बारीकियां होती हैं, जो हमें नहीं पता होती हैं, और हम क्या करते हैं कार बाज़ार में या अदर जगह जाके गाड़ी ले लेते हैं और फंस जाते हैं, तो और मोटा खर्चा आता है। 10 लाख की गाड़ी ले लेते हैं या 10 लाख की गाड़ी 4 लाख में मिल जाती है, उसके बाद उसमें 2 लाख का खर्चा होता है। तो आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊँगा, डीजल गाड़ी, पेट्रोल गाड़ी और CNG गाड़ी या LPG गाड़ी। तो अभी हम लोग बात करते हैं कौन सी गाड़ी आप लेना चाह रहे हैं, डीजल या पेट्रोल या? मैं डीजल में टारगेट कर रहा हूँ। डीजल जी। देखिए, डीजल का जो इंजन होता है वो पावरफुल ज़्यादा होता है, डीजल इंजन की मेंटेनेंस भी ज़्यादा होती है ना। बट क्या है कि अगर आप डेली, आप कितना डेली चलना चाहते हैं गाड़ी, अगर आप डीजल प्लान करें तो कितना चलाएंगे डेली अप्रॉक्स? एक्चुअली मेरा माइलेज कंसर्न है और डेली मेरी रनिंग है अराउंड 30 to 35 किलोमीटर। वैसे आप डीजल लेना चाह रहे हैं, पर डीजल के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आप 100+ डेली चलते हैं, 100+ चलते हैं डेली एवरी डे, तब तो डीजल बेटर है। नहीं तो अगर आप 100- चलते हैं 50, तो आपके लिए पेट्रोल बेटर है। लेकिन मैं आपको डीजल के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि डीजल इंजन जो होता है वो 10,000 किलोमीटर पर उसकी सर्विस होती है, नॉर्मल सर्विस करा लेनी चाहिए, और जो पेट्रोल गाड़ी होती है उसकी सर्विस 5,000 का होती है। तो हम बात करते हैं, जैसे मेरे पास फॉर्च्यूनर है टोयोटा की, ठीक है, तो मैं इसके बारे में बता देता हूँ आपको कि नई गाड़ी मेरे को कुछ नहीं चेक करना होता, लेकिन पुरानी गाड़ी लेने से पहले आपको कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स होते हैं, तो वो मैं बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहले सपोज़ मान लीजिए आपको एक गाड़ी लेनी है, तो ये गाड़ी है फॉर्च्यूनर, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें यहाँ चेक करनी है। तो सबसे पहले आपको अगर गाड़ी लेनी है तो हम बात करते हैं सबसे पहले इंजन की। ओके, कि इंजन को कैसे पता करेंगे कि इंजन बेटर है नहीं है? तो सबसे पहले हम इसको करते हैं यहाँ से ऑन, ठीक है? ओके, अब ये टोटल गाड़ी जो चली हुई है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ से चेक कर सकते हैं 1,86,920, ठीक है, ये जेन्युइन चली हुई है विद कंपनी रिकॉर्ड, ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई जी। अब इन सब गाड़ियों का 4-4, 5-5 लाख किलोमीटर भी कुछ बिगड़ता नहीं है, तो हम सबसे पहले करते हैं इसको इंजन को ऑन। सबसे पहले हम इसका इंजन चेक करेंगे। अब यहाँ से करते हैं हम उसको बोनेट को ओपन, ठीक है। मेन होता है इंजन, बाकी चीजें छोटी मोटी जो चीजें होती वो तो हम बाद में भी चेंज करा सकते हैं। दोस्तों देखो, ये है टोयोटा का इंजन, ठीक है, 4-व्हील ड्राइव। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि इंजन का जो मेन है, इंजन का पावर, कि इंजन बेटर है नहीं बेटर है। तो देखिए यहाँ पे इसका है गेस, ये जो आपका ये देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये इंजन ऑयल गेस बोलते हैं इसको। अब इसको मैंने निकाला, अब यहाँ पे आप फिंगर रख के देखो यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक भी छींटे दिख रही है आपको? नहीं दिख रही, ये तो उसका निशान है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे हाथ करके आप देखो, एक भी छींटे नहीं आ रही, ठीक है। अब मैं वहाँ से जाके हल्का सा एक्सीलेट करता हूँ, वहाँ पे जाके मैं हल्का सा एक्सीलेट करता हूँ, आप यहाँ पे हाथ रख के देखिएगा, ठीक है, हाथ वहाँ पे रखना, देखो छींटे आ रही है। कोई चीट नहीं आई, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें कोई चीट। डीजल गाड़ी का इंजन चेक करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, तो अभी तो मैंने ये चीज़ हो गई, अब एक भी चीट नहीं आई, इसका मतलब इसका इंजन गुड कंडीशन में है। अगर इसमें इंजन ऑयल की छींटे आ रही होती तो इसका मतलब इसमें मोटा खर्चा होने वाला है, तो आपको गाड़ी में हाथ नहीं लगाना।
अब बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको लगा देते हैं पहले यहाँ पे, अब आ जाइए पीछे। अब यहाँ से देखो मैं एक्सेलेटर दे रहा हूँ, आप साइलेंसर पे जाइए, साइलेंसर पे जाइए। नीले कलर का धुआं निकला? नहीं, कोई नहीं निकला, कोई धुआं नहीं निकला। इसका मतलब इसका इंजन वेरी गुड कंडीशन में। सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, वहाँ पे इंजन ऑयल की छींटे नहीं आनी चाहिए थी, तो इंजन ऑयल की एक भी छींट नहीं आ रही थी और यहाँ पे गाड़ी धुआं भी नहीं निकली, तो इसका इंजन वेरी गुड कंडीशन में आप ले सकते हैं। अब मेन मेन पॉइंट से वो बता देता हूँ, देखिए यहाँ पे इसके अंदर पड़ता है पावर स्टीयरिंग ऑयल, इसके अंदर पड़ता है पावर स्टीयरिंग ऑयल, ठीक है, ठीक, और इसके अंदर पड़ता है कूलेंट, और इसके अंदर पड़ता है ब्रेक ऑयल, ठीक है, और ये एबीएस मोटर है, ये है इसका एयर फिल्टर, ठीक है। बाकी इसमें आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि जो मेन मेन पॉइंट होते हैं वही हमें चेक करने होते हैं। तो इंजन इसका वेरी गुड कंडीशन में, छोटा मोटा जो काम होता है वो आप बाहर से भी करा सकते हो। तो पावर स्टीयरिंग ऑयल हो गया, दूसरी चीज़ ये आपका बैटरी है। अब बैटरी का क्या है, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ पे ग्रीन सिग्नल आ रहा है, तो ग्रीन सिग्नल का मतलब ये है कि बैटरी ये ओके कंडीशन में। अगर यहाँ पे व्हाइट लाइट आ रही होती तो इसका मतलब ये नीट चार्ज हो रही है, और अगर रेड लाइट आ रही होती तो इसका मतलब बैटरी आपकी डेड हो चुकी है। तो अभी बैटरी की कंडीशन भी वेरी गुड है, इंजन भी वेरी गुड है। अब बात करते हैं कि ये गाड़ी कोई एक्सीडेंटल तो नहीं है, अगर एक्सीडेंटल है तो हम कैसे पता करेंगे, जैसे कि कई बार होता है कि एक्सीडेंटल होती गाड़ी लेफ्ट या राइट भाग रही है, तो यहाँ पे देखेंगे, देखिए इसके जो पॉइंट्स है, ये जो नट बोल्ट है आपके, देखिए नट बोल्ट पे ना येलो कलर का एक मार्क लगा होता है, अगर वो नट खुला हुआ है तो वो मार्क सेंटर पॉइंट में नहीं होता, जैसे बहुत सारे हैं जिसमें येलो कलर का मार्क है नटों पे, तो वो उसका मार्क ये है कि अगर उसको आपने कहीं पे उसको छेड़ा गया है, किसी कंपनी में कोई काम हुआ है, तो वो सेंटर पॉइंट पे नहीं होता है। और रही बात सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन के लिए क्या है हमें गाड़ी, अब हम उसको चला के चेक करते हैं। आइए, बहुत सारी छोटी छोटी दोस्तों चीजें हैं जो आज मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पे बात करते हैं, अब हमारी गाड़ी का इंजन हो गया ऑन, अब हमें इसमें दो चार चीजें चेक करनी मेन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गाड़ी के स्टीयरिंग का, कि अगर स्टीयरिंग में मोटा खर्चा है तो, अब जैसे ये स्टीयरिंग है, अब ये देखो मैंने पूरा स्टीयरिंग घुमा दिया राइट साइड, अब अगर स्टीयरिंग में किर कर करके किसी तरीके की कोई आवाज आ रही तो इसका मतलब इसमें मोटा खर्चा है। तो अभी कोई आवाज नहीं है, खड़ी गाड़ी पे जैसे इंजन ऑन करते हो तो पावर स्टीयरिंग आपका काम करने लगता है, ठीक है। तो अभी ये जो है आपका इसमें कोई काम नहीं है, अब मैंने ये लेफ्ट घुमा दिया पूरा, स्टीयरिंग में कोई साउंड नहीं है, कोई भी साउंड नहीं है, तो स्टीयरिंग में भी आपके कोई काम नहीं। अब बात करते हैं हम इसको चला के चेक करते हैं, तो सबसे पहले तुम डालते हैं सीट बेल्ट, ठीक, और इसको थोड़ा सा ले चलते हैं खराब रास्ते पे, जहां पे खराब रास्ता है थोड़ा सा उबड़ खाबड़, और चेक करते हैं फर्स्ट सेकंड। अब यहां पे गाड़ी को हम थोड़ा दौड़ा के देख रहे हैं, ये देखो, अब यहां पे देखो साउंड जरा सा भी साउंड नहीं है, आप अगर देखेंगे तो यहां पे जरा सा भी सस्पेंशन में कोई आवाज नहीं, क्योंकि मैंने शीशे खोल रखे हैं, चारों शीशे गाड़ी के खुले, जरा सा भी साउंड नहीं। अगर सस्पेंशन में कोई काम होता है या कैची में या बैलेंसिंग रॉड में या बूस में किसी में, तो खट 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 की आवाज आती, बट आपको कहीं पे कोई आवाज नहीं आ रही। तो पहली चीज इंजन चेक करी, दूसरी चीज हमने स्टीयरिंग चेक करी, तीसरी चीज हो गया सस्पेंशन। अब बात करते हैं, हम करते हैं इसके एक्सल की बात। अब एक्सल कैसे पता चलेगा, तो हमने ये लिया फर्स्ट गियर और स्टीयरिंग पूरी राइट घुमा दी, और राइट में झटके से गाड़ी को हमने उठाया, कोई आवाज आई नहीं आई। अगर कट 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 करके आवाज आती तो इसका मतलब इसका राइट साइड वाला एक्सल गड़बड़ है, तो ये चीज हमेशा ध्यान देना। तो एक्सल इसका ओके वेरी गुड कंडीशन में। अब हम चेक करते हैं लेफ्ट वाला एक्सल, हमने पूरा लेफ्ट स्टीयरिंग घुमा दिया और ये बैक गियर डाल दिया, अब हम झटके में गाड़ी उठाएंगे, ठीक है, कोई आवाज है नहीं है, तो इसका मतलब इसके एक्सल भी दोनों वेरी गुड कंडीशन में। अब हम बात करते हैं
इसकी एसी की, क्योंकि भाई बड़ी गाड़ी है तो एसी में मोटा खर्चा आता है। तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले चढ़ाते हैं इसके सारे ग्लास और एसी की कूलिंग चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसको ऑन करते हैं यहां से ऑटो पे। ऑटो पे ऑन कर दिया। अब इसका एसी की कूलिंग देखते हैं। अभी ये फुल पे है ऑटो पे, अभी मुश्किल से एक मिनट लगेगा और ये पूरा चिल्ड कर देगा। इसमें एक फ्रंट एसी होता है, एक रियर एसी होता है। तो ये हो गया बैक साइड वाला। अब यहां पे आप जरा हाथ लगा के देखिए क्या लग रहा है, कूलिंग कितनी देर हुई है एसी ऑन करें? तो हार्डली एक मिनट भी नहीं हुआ। एक मिनट भी नहीं हुआ और कितना ज्यादा कूल कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि भाई इंजन, स्टीयरिंग, पावर स्टीयरिंग और इसके सस्पेंशन और इसके एक्सल वेरी गुड कंडीशन में है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी बॉडी की कि गाड़ी कहीं से एक्सीडेंटल तो नहीं है, कहीं पे कोई इश्यू तो नहीं है। तो अब इसको कर देते हैं बंद। ठीक है, सारी चीजें चेक हो गई। अब इंजन बंद कर देते हैं और आते हैं बाहर। अब थोड़ा सा इसकी बॉडी को चेक करते हैं। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, ये हमने इसको नीचे किया। अब ये देखिए यहाँ पे आपको कंपनी के पंच दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5। अगर ये गाड़ी यहाँ से एक्सीडेंट हुई होती तो ये कंपनी के पंच आपको नहीं दिखते, ये वेल्डिंग दिखती। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती कि गाड़ी कहीं से बनी नहीं, कहीं से ठुकी नहीं है, ये कंपनी की चेचिस है। ये जो पंचिंग है ये कंपनी की होती है। अगर ये कहीं से लड़ी भिड़ी होती तो यहाँ पे वेल्डिंग के निशान होते हैं। तो ये वेरी गुड कंडीशन है। इसी तरीके से हम उस साइड भी देख लेते हैं ये, जैसे कि अब हालांकि एक साइड वो देख लिया तो ये भी ओके, ये कोई दिक्कत नहीं है। और हम ये बैक साइड में भी देख सकते हैं, बैक साइड में भी सारा कुछ ओके है। यहाँ पे इसकी होती है टूल किट, ये देखिए पूरी टूल किट है इसमें रखी हुई है। ठीक है, और इसकी यहाँ पे होती स्टेपनी, ये देखिए स्टेपनी भी गुड कंडीशन में है। ठीक है, और इस साइड भी एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए है ना गुड कंडीशन, कोई वेल्डिंग का निशान, कोई वेल्डिंग का निशान नहीं है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसकी बॉडी भी ओके है, गाड़ी भी ओके है, उसके जो टायरों की कंडीशन है ना, जरा यहाँ पे लेके आइए। ये देखो इसके जो टायरों की कंडीशन है वो करीब करीब अभी 70% टायर है, 70% टायर है। तो कम से कम मान के चलो 15,000 किलोमीटर ये नॉर्मल अभी 15,000 से 20,000 किलोमीटर आराम से चल सकती है। तो इस गाड़ी को आप ले सकते हैं, इस गाड़ी को लेने में आपका कोई भी खर्चा नहीं है। तो इस तरीके की अगर कोई गाड़ी आप लेना चाहते हैं तो आप सेकेंड हैंड गाड़ी चेक कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी जो मेन चीज़ें इनको आपको चेक करना ज़रूरी है। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।